الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رجل أوصني بشيء ينفعني الله ينفعني الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ذكر الموت يسلك عن الدنيا وعليك بالشكر فإنه يزيد في النعمة وأكثر من الدعاء فإنك لا تدري متا یستجاب لک صلوات بھیجے محمد والے محمد ایک شخص پیغمبر حتمی مرتبت حبیب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ کچھ وعظ کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے۔ جس وقت اس نے یہ سوال کیا کہ ہم کو کچھ وعظ کیجئے تاکہ اللہ ہم کو فائدہ پہنچائے، فقالا، تو رسول اللہ نے فرمایا اکثر ذکر الموت، میں تم کو یہ وعظ کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں کہ موت کو بہت یاد کرو، موت کو ہر وقت نظر میں رکھو، موت سے غافل نہ ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یسلک عن الدنیا، اگر موت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکلے تو دنیا کی محبت دل سے نکلنے کا بہترین طریقہ جو حضور نے بتایا ہے وہ ہے موت کی یاد۔ دنیا یا دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں کہ جو یقیناً وابستہ ہیں اور ان کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور اللہ نے اس دنیا کا نظام ہی ایک ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ہر دوسرے سے ایک دوسرے سے ربط میں ہے۔ یہاں تک کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سب کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ تو دریا کے کنارے رہتے ہیں،
क्या वजह है कि जब चांद निकलता है तभी पानी ऊपर आता है, तभी भर्ती होती है? क्या वजह है कि जब चांद पूरा हो जाता है, जिसकी आप कहें पूनम कहते हैं, अमावस कहते हैं, क्या वजह है कि पूनम और अमावस की भर्ती क्यों होती है? ये निजाम है अल्लाह का, हर चीज को एक दूसरे से, सूरज से, चांद से, सितारों से, दरिया से, एक दूसरे को, सबको एक दूसरे से मरबूत किया हुआ है। क्या वजह है कि शाम ही को भर्ती होती है और फिर पानी चला जाता है, सुबह को फिर पानी आ जाता है, फिर चला जाता है? क्या वजह है? सूरज निकलता है, पानी फिर जाना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, फिर जैसे सूरज ढलने लगता है फिर भर्ती शुरू हो जाती है, फिर पानी ऊपर आने लगता है। कभी गौर करो इन चीजों में, ये सारी चीजें, जितनी पूरी दुनिया का निजाम, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। खुद हम अकेले नहीं हैं, न जाने कितनी चीजें हैं कि जो हमसे मरबूत हैं, हमसे रिलेटेड हैं। ये हवा, ये पानी, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, इसके अलावा खुद दुनियावी जिंदगी में जैसे हम जीने के लिए हमको बहुत सी चीजें चाहिए और इनके बगैर हम नहीं जी सकते, वैसे ही खुद समाज और माशरे में भी हमको बहुत सी चीजों की एहतियाज है, जरूरत है। माँ बाप हमारी जरूरत है, भाई बहन, अजीज अकरबा, पड़ोसी, समाज जमात, ये सब हमारी जरूरत है। इस दुनिया में आए हो तो आपको जिंदगी तो गुजारना है, लिहाजा जिंदगी गुजारने को और जिंदगी गुजारने के लिए जो चीजें हलाल और जायज तरीके से इंसान को हासिल होती हैं उससे नहीं मना किया गया है कि तुम उसे हासिल ना करो, नहीं, तुमको जिंदगी गुजारना है। एक पाक साफ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तुमको यकीनन अच्छा माहौल चाहिए, तुमको एक अच्छा खानदान चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, और उसी के साथ तुम अच्छी जिंदगी और पाक और साफ जिंदगी गुजार सकते हो। तो दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया गलत नहीं है, हाँ दुनिया से वाबस्तगी गलत है। दुनिया में आए हो, दुनिया में तो रहना ही है, दुनिया में से कैसे चले जाओगे? लेकिन देखो दुनिया से दिल न लगा लेना, इसलिए कि ये पायदार नहीं है। दिल उससे लगाया जाता है जो पायदार हो, ये मजबूत नहीं है, ये ऐसी इमारत है जो कभी भी ढह सकती है, ये ऐसी इमारत जो कभी भी गिर सकती है। लिहाजा ऐसी इमारत से दिल नहीं लगाया जाता है कि जिसके मालूम मुताल्लिक जिसके लिए पता ही ना हो कि कब किसका एतबार ही ना हो कि यह कब नीचे आ जाएगी। लिहाजा इसी वजह से हुजूर ने फरमाया कि अक्सर जिक्रल मौत, तुम बहुत ज्यादा मौत को याद करो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल जाएगी, ये दुनिया की तरफ जो रहबत है, ये रहबत दुनिया से जो है ये तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। वह अलाई का भी शुक्र, और तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम शुक्र खुदा बजा लेते रहो। सामने वाला पूछने वाला सवाल कर रहा है कि या रसूलल्लाह हमको कुछ वाज कीजिए, कुछ नसीहत कीजिए ताकि हमको अल्लाह फायदा पहुंचाए। पैगंबर क्या फरमाते? पैगंबर ने डायरेक्ट नहीं कह दिया कि तुम ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे ये करो, ऐसे वो करो, कुछ तफसील कुछ नहीं बताई, शॉर्ट में बता दिया, अव्वल तुम मौत को याद रखो ताकि दुनिया की मोहब्बत तुमसे दिल से निकल जाए। जब दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी तो खुद बहुत अच्छाइयां आएंगी, खुद बहुत अच्छाइयां उसकी जगह लेंगी। ये दुनिया की मोहब्बत बहुत सी अच्छाइयों को हमसे करीब होने से रोक देती है, जिस हम उन नेकियों तक और उन अच्छाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं इस दुनिया की मोहब्बत की वजह से। लिहाजा ये दुनिया की मोहब्बत की जो बात की गई है जगह जगह के ऊपर कि देखो दुनिया में हो लेकिन दुनिया से लौ न लगाना, और फिर जो चीजें भी तुम्हारे अख्तियार में हैं और जो नेमतें तुमको मिली हैं, अलैका बिशुक्र, तुम्हारे लिए जरूरी है, वाजिब है, शुक्र मुनइम वाजिब है, नेमत देने वाले का शुक्र लाजिम है। इसका फायदा क्या होगा? वो अलैका बिशुक्र फ इन्नहु यज़ीदु फिन निअमा,
इसका फायदा ये होगा कि जितना तुम शुक्र अदा करते जाओगे उतना नेमतों में इजाफा होता चला जाएगा। खुद अल्लाह ताला का इरशाद है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम हमारा शुक्रिया अदा करते जाओ हम तुम्हारे नेमतों में इजाफा करते चले जाएंगे, हम उसे बढ़ाते चले जाएंगे। और नेमत खुद की जो तफसील है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है नेमत की तफसील। नेमत हम खाली सोचते हैं कि यही खाना पीना और यही रुपया पैसा और ये जो हम कमाते हैं खाते हैं बस यही नेमत है, खाली यही नेमत नहीं है, खाली यही नेमत नहीं, हाँ ये भी नेमत है। लेकिन क्या ये कम बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमको एक ऐसे घराने में पैदा किया कि जो उसकी वहदानियत का इकरार करने वाला, जो उसके हबीब का कलमा पढ़ने वाला, जो अइम्मा मासूमीन की विलायत और इमामत का इकरार करने वाला, ये सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमको शिया पैदा किया है। इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं हो सकती है। यही वो नेमत है कि जिस नेमत के लिए गदीर में कहा था अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने नेमत को मुकम्मल कर दिया है। सलावत भेजते मोहम्मद वाले, ये तो मैंने एक मिसाल दी है, क्या ये नेमत कुछ कम बड़ी है? सबसे बड़ी नेमत ये, सबसे अजीम नेमत ये है कि हमको ऐसा घराना मिला है, हमको ऐसी आगोश मिली है, हमको ऐसा माहौल मिला, हमको ऐसा समाज मिला। और फिर उसके बाद एक लंबी और तवील फहरिस्त है नेमतों की। तो नेमत सिर्फ खाना पीना और ये जो असबाब हमारे हाथों में यही नहीं है, ये रोजगार और कारोबार ही खाली नेमत नहीं है बल्कि बहुत लंबी और तवील फहरिस्त है। अब जितना आप शुक्र अदा करते जाओगे उतना अल्लाह इसमें इजाफा करता चला जाएगा। अगर आप इस चीज के ऊपर शुक्र अदा करते हो कि माबूद तेरा शुक्र, तूने हमें अपने मुवाहिद बंदों में करार दिया, हमें अपने हबीब के कलमा पढ़ने वालों में करार दिया, हमें इमाम ताहरीन की विलायत और इमामत का करार करने वालों में करार दिया, वादा है अल्लाह इसमें इजाफा करता चला जाएगा। अब यहां कैसे इजाफा होगा? पैसे में तो समझ में आता है, खाने पीने में तो समझ में आता है, यहां इजाफा कैसे होगा? काहे में इजाफा हो जाएगा, किस चीज में इजाफा होगा, किस तरह इजाफा होगा? यहां इजाफा होगा आपकी मारिफत के लिहाज से। जितना आप उसका शुक्र अदा करते जाओगे, जितना उसके हबीब का शुक्र अदा करते जाओगे, जितना इम्मे अधार का शुक्र अदा करते जाओगे, इस नेमत के ऊपर शुक्र अदा करते जाओगे, उतना ही आपको इन हस्तियों के निस्बत इल्म और मारिफत में अल्लाह इजाफा करता चला जाएगा। आपको इनकी और ज्यादा मारिफत हासिल होती चली जाएगी और अपने ज्यादा आप निखार पर महसूस करेंगे और अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। ये है नेमत कि जितना ज्यादा इंसान अल्लाह ताला की इस नेमत के ऊपर शुक्र अदा करता जाए उसको अल्लाह और ज्यादा अच्छे से अच्छा बना देगा, बुराइयों से निकालेगा, अच्छाइयों की तरफ उसकी तवज्जो दिलाएगा। तो अलैका बिशुक्र, अच्छा शुक्र के भी दर्जे हैं, जैसे सब्र के दर्जे हैं वैसे शुक्र के दर्जे, ईमान के दर्जे हैं, यकीन के दर्जे हैं, तकवे के दर्जे हैं, सब एक दर्जे में तो है ही नहीं, ऐसे ही शुक्र के भी दर्जे हैं। और आम तौर से जो हम जबान के ऊपर जिस शुक्र को लाते हैं ये तो बहुत ही निचले दर्जे का शुक्र है कि जहां हमने कुछ पिया हमने कहा अल्लाह का शुक्र, हमने कुछ खाया कहा अल्लाह का शुक्र, हमें कुछ मिला हमने कहा अल्लाह का शुक्र। असल शुक्र क्या है? असल शुक्र खुद शुक्र देने वाले का शुक्रिया है। तो देने वाले का शुक्रिया कैसे अदा हो? ये इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने हमको दी हैं तो क्या सर खाली जबान से हमने कह दिया माबूद तेरा शुक्र, ये काफी हो गया, अदा हो गया शुक्र? नहीं, इससे भी बुलंद शुक्र है। इससे बुलंद शुक्र ये है कि अब जिन चीजों से उसने मना किया है उन चीजों को इख्तियार न किया जाए, ये भी शुक्र है। इससे भी बुलंद शुक्र है जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे छोड़ा ना जाए, ये भी शुक्र है कि माबूद तूने इतनी सारी नेमतें दी हैं तो तेरा शुक्र ये है कि अब आज से जो कुछ तूने
वाजिब किया है वो हमसे छूटेगा नहीं, और जो कुछ हराम किया है उसके हम करीब नहीं जाएंगे। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अक्सर मिनत दुआ। और देखो तुमको तीसरी नसीहत यह है और तीसरा वास यह है हमारा, पैगंबर फरमाते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा दुआ करो, बहुत ज्यादा दुआ करो, हर वक्त दुआ करो। फइन्नका ला तदरी मता युस्तजाबु लका, इसलिए कि तुमको ये खबर नहीं है, तुमको ये पता नहीं है कि दुआ कब कबूल होगी, किस वक्त कबूल होगी, किन हालात में कबूल होगी। लिहाजा हर वक्त दुआ किया करो, हर वक्त अल्लाह को याद किया करो। किस वक्त तुम्हारी दिल से निकली हुई दुआ को अल्लाह सुन ले, कौन सी दिल से निकली हुई दुआ को तुम्हारे अल्लाह कबूल कर ले। लिहाजा सिर्फ मुसल्ले पे नहीं, सिर्फ मस्जिद में नहीं, सिर्फ नमाज में नहीं, हर वक्त कभी भी तुम्हारा दिल मायल होता है उस, ये खुसूसन मासूमीन ने इस मौके को गनीमत शुमार किया है कि जिस वक्त तुम्हारा दिल मायल हो इबादत की तरफ, रग़बत रखता हो, एक अंदर से जैसे एक शौक पैदा हो कुछ अच्छा करने का, इबादत करने का, दुआ पढ़ने का, नमाज पढ़ने का, उससे कुछ मुनाजात करने का दिल चाह रहा हो। मासूम फरमाते कि यह वक्त तुम्हारे लिए सबसे गनीमत है दुआ करने का, सबसे बेहतर वक्त है दुआ की कबूलियत का, कि जिस वक्त तुम्हारा और उसका राबिता इतना मजबूत हो जाता है कि तुमको लगता है कि नहीं उसकी बारगाह में बैठ के कुछ बातें की जाए, उससे उसका उससे कुछ दर्द दिल बयान किया जाए। ये जो तुम्हारे दर्द दिल बयान करने का दिल चाहे जिस वक्त, उस वक्त अपना दर्द दिल उससे कहो, इसलिए कि अल्लाह दिल से निकली हुई दुआ को रद्द नहीं करता है। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। का वल बाग़ी, और देखो ये सारी चीजें जहां है वहीं बगावत और सरकशी और जुल्म से बच के बचाए रहना अपने को, इसलिए कि अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। फइन्नल्लाहा तदा अन्नहु मन बुगिया अलैहि लयुनसरन्नहुल्लाह, अल्लाह हर गिज ये जो सरकशी करने वाले हैं, जो बगावत करने वाले हैं, जो जुल्म करने वाले, अल्लाह की मदद नहीं करेगा। लिहाजा अगर चाहते हो कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो देखो बगावत से, सरकशी से, जुल्म से अपने को बचा के रखना। वाह पाला वइया कवल मकर, और देखो आखिरी वसीयत यह है तुमसे, आखिरी वाज यह है के मकर से अपने को बचाना, चालबाजी, धोखाधड़ी, किसी के साथ कुछ गलत करना, इन चीजों से अपने को बचा के रखना। वैयाका वल मकर फइन्नल्लाहा कज़ा अन ला यहीकल मकरु सय्यु इल्ला बि अहले, इसलिए कि अल्लाह ताला का कुरान में फैसला है कि मकर में खुद वही और उसके अहल ही गिरफ्तार होते हैं। अगर हमने किसी के साथ कोई चाल चली, अगर हमने किसी के साथ कुछ मकर किया है, अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत का इरादा किया है, तो अल्लाह ताला का फैसला है कि उसमें तुम खुद गिरफ्तार होगे। अगर तुमने दूसरे का गलत चाहा है तो तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, अगर दूसरे के साथ तुमने कुछ चाल चली है तो कोई तुम्हारे साथ कोई चाल चलने वाला है, ये अल्लाह ताला का फैसला है। तो अजीजाने मोहतरम, ये पैगंबर खत्मी मर्तबत की वसीयतें हैं, नसीहतें हैं, ये वाज है कि देखो मौत को याद करो ताकि दुनिया की तरफ तुम्हारी रग़बत और ना हो और तुम्हारा दिल इससे ना लगे, शुक्र अदा करो ताकि अल्लाह नेमतों में इजाफा करे, दुआ ज्यादा किया करो इसलिए कि तुमको यह नहीं मालूम है कि दुआ कब कबूल होती है, और देखो अपने को सरकशी से और बगावत से बचा के रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह
बागी और सरकश लोगों की मदद नहीं करता है, और मकर से बचो, इसलिए कि मकर जो है वो खुद मकर करने वाले को अपनी गिरफ्त में और अपनी लपेट में लेता है। अजीजाने मोहतरम, हकीकत यही है कि अगर आप इन वसीयतों की रोशनी में पैगंबर खत्मी मर्तबत के जो वाकईन सच्चे असहाब और अनसार रहे उनकी जिंदगियों पर नजर करें, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से मौत उनकी नजर में रहती थी, कैसे वो शुक्र खुदा बजा लाते थे, कैसे वो दुआएं क्या करते थे, और किस तरीके से अपने को बगावत और सरकशी से बचाए रखते थे, कैसे दूसरों की भलाई चाहते थे, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहते थे। मासूमीन की तो शान ही है मासूमीन से के अलावा आप खुद जो मासूमीन के सच्चे असहाब, जिन असहाब के ऊपर मासूमीन ने फख्र किया, अगर आप उनकी जिंदगियों के ऊपर नजर कीजिए तो आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। जनाब सलमान फारसी, जनाब अबू जर, जनाब मीसम, जनाब मालिक अश्तर, ये सब वो नमूने हैं वाकई इन तमाम वसीयतों के और इन तमाम नसीहतों के, कि अगर इन तमाम खूबियां की जो पैगंबर खत्मी मर्तबत और अहले बैत ने बयान किए, अगर ये देखना है तो आप इनकी जिंदगियों में देखिए। क्योंकि कभी कभी हमारे जहन में सवाल होता है कि अरे सब चीजें तो बड़ी सख्त हैं, दुनिया में रहना सब कुछ करना होगा, जबान पे हमारी आ जाता है अरे क्या करें, वो तो वो जमाना था, वो पुराना जमाना था, और उस जमाने में ऐसे हालात नहीं थे, आज होते तो क्या करते। हर जमाने के हालात अपने अपने लिहाज से होते हैं। आज भी आपको जो अल्लाह वाले हैं वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि जमीन अल्लाह वालों से खाली हो गई है, अल्लाह वालों से जमीन खाली नहीं है, आज भी एक से एक अल्लाह वाला इसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर अल्लाह वाले जमीन पे ना होते तो अजाब आ जाता। ये अजाब का ना आना, जमीन का न धसना, यकीनन इन इस जमीन और आसमान और ये पूरे निजाम की जो बका का दारो मदार है वो हुज्जत खुदा के ऊपर है। लेकिन हुज्जत खुदा से हटकर भी रवायत है तो यकीनन हर दौर में आपको अल्लाह वाले मिलेंगे, इस दौर में भी आपको अल्लाह वाले मिल जाएंगे। और यही वो चीजें हैं कि जो इंसान को के अंदर खूबियां जहां पैदा करती हैं, अल्लाह से करीब करती हैं, लेबैद से करीब करती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से करीब हों और अहले बैत इस्मत तहारत से करीब हों, तो अहले बैत इस्मत तहारत से करीब होने का बेहतरीन जरिया खुद पैगंबर खत्मी मर्तबत और मासूमीन अलैहिस्सलाम का बताया हुआ रास्ता है। जितना ज्यादा इस रास्ते पे हम चलते जाएंगे उतना इन हस्तियों से करीब होते जाएंगे। और जैसा कि मैंने अभी मिसाल में पेश किया है और आप देख लीजिए कि जनाब सलमान जो करीब हुए थे, अबू ज़र को जो दर्जा मिला था, मालिक अस्तर को जो मकाम हासिल हुआ था, किस बुनियाद पे हासिल हुआ था? खाली इस बुनियाद पे हासिल नहीं हुआ था उन्होंने कहा कि हम आपके शिया हैं बस, नहीं, उन्होंने करके दिखाया है कि हम आपके शिया हैं। अगर हम आपके शिया हैं तो कैसे शिया हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली इसको बताया है, इसकी मिसाल दी है उन्होंने कि हम आपके शिया हैं। तो खाली उन्होंने कहा नहीं कि हम शिया हैं आपके, साबित किया है कि हम आपके शिया हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर ये तो बयान कर देना आसान है, सुन लेना आसान है, अभी जरा सा आजमाइश हो जाए, थोड़ा सा इम्तिहान हो जाए, थोड़ी सी जांच और परख कहीं हो जाए हमारी, पता चल जाता हम कितने बड़े शिया हैं और कितने बड़े मौला के मानने वाले हैं और कितने बड़े मौला ही हैं। हकीकत यही है, हकीकत यही है। तो अजीजान मोहतरम, और ये जो करबला में इमाम अली मकाम के साथ साथ थे, हकीकत यही है कि ये क्या वजह थी कि इतना ज्यादा, जबकि दुनिया सच धज के सामने खड़ी थी, ढेर लगे हुए थे दौलत के और माल के और जरो जवाहरात के, आ जाओ ले लो, हुसैन को छोड़ दो, हुसैन को छोड़ दो और आओ ले लो। लेकिन क्या वजह थी? इसलिए कि उनकी आंखों के सामने से पर्दे हट चुके थे। जब अल्लाह से इंसान करीब होता है, अपने को वाजिबात का पाबंद बनाता है, हराम से बचाता है, तो इंसान की आंखों के सामने से पर्दे हट जाते हैं। तो जब पर्दे हटते हैं
تو پھر انسان حقیقتوں کو دیکھتا ہے, اور جب حقیقتوں کو دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں, یہ تو چند دن کی ہے اور یہ تو ختم ہو جانے والی ہے. اصل تو وہ دنیا ہے کہ جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. لہذا کیوں ایسی موت کو قبول نہ کیا جائے, جب جانا ہی ہے تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہماری جان اس کی راہ میں نکل جائے. اس سے بہتر کیا ہوگا کہ مولا کی نصرت میں ہماری جان نکل جائے. یہ وہ جو جذبہ تھا کربلا والوں کے اندر کہ جنہوں نے تمام شہیدوں سے ان کو ممتاز کر دیا, شہداء کربلا کو, تمام شہداء سے ان کو ممتاز کر دیا, ان شہداء کربلا کو. اس لیے کہ کربلا سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں, کربلا کے بعد بھی شہادتیں ہوئی, لیکن جس انداز سے کربلا میں ان اصحاب امام نے شہادت پیش کی ہے, یہ انداز کربلا سے پہلے اور یہ انداز کربلا کے بعد ہی نظر آیا ہے. کہ جہاں ایک طرف میں نے عرض کیا کہ دنیا کھڑی ہوئی ہے سامنے سچ دھچ کے اور دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف موت سامنے کھڑی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے موت کو ترجیح دی کہ نہیں موت ٹھیک ہے, یہ دنیا صحیح نہیں ہے, یہ موت صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کی راہ میں جا رہی ہو رہی ہے, یہ حق کی راہ میں نکل رہی ہے, لہذا یہ جان یہ موت اچھی ہے. اور انہوں نے موت کو قبول کر لیا. اور یقیناً کیسے اصحاب تھے کہ جن اصحاب کے اوپر خود امام حسین نے فخر کیا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ تو میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. اس لیے کہ رسول اللہ کے جتنے بھی اصحاب تھے اس میں آپ کو دو طریقے کے اصحاب ملیں گے, حکم ماننے والے بھی اور حکم نہ ماننے والے بھی. امیر المومنین کے اصحاب میں دونوں طریقے کے ہیں, حکم ماننے والے بھی اور حکم نہ ماننے والے بھی. امام حسن کے اصحاب میں دونوں طریقے کے ہیں, حکم ماننے والے بھی اور حکم نہ ماننے والے. یہ اکیلے امام حسین ہیں کہ جن کے جتنے بھی اصحاب ہیں سب بس ہاتھ جوڑے اور ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں, آقا بس حکم دیجئے اور جو بھی حکم دیجئے. شب عاشور جس وقت جناب حبیب کی خدمت میں آ کے ایک امام کے صحابی نے یہ عرض کیا ہے کہ حبیب, ابھی میں خیمے کے باہر کھڑا ہوا تھا, ثانیہ زہرا کے خیمے کے باہر کھڑا ہوا تھا اور بہن اور بھائی میں گفتگو ہو رہی تھی اور یہ گفتگو میں نے سن لی, اور بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے, لگتا یہ ہے کہ ہماری وفا کے اوپر اہل بیت کو اعتبار نہیں ہے. بس اتنا سننا تھا کہ حبیب ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں, اے اصحاب حسین اپنے اپنے خیموں سے نکلو, یا اصحاب الحسین. بس جیسے ہی نعرہ بلند کر رہا تھا کہ اپنے اپنے خیموں سے تمام صحابی نکلنے لگے, اور جہاں صحابی نکلے دیکھو امام نے وہیں ایک خیمے جناب علی اکبر, ایک خیمے جناب عباس, ایک خیمے جناب قاسم. جناب حبیب کہتے کہ نہیں مجھے بنی ہاشم سے کام نہیں ہے, صرف اصحاب سے کام. اصحاب کو ساتھ لیا اور جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے, اور جناب زینب کے خیمے کے باہر آنے کے بعد حبیب کہتے ہیں شہزادی آپ کے بھائی کے ناصر دروازے میں کھڑے ہیں, ابھی آپ اجازت دیجئے ہم اپنی تلواروں سے, ابھی آپ حکم دیجئے اپنی تلواروں سے اپنے سر اتار کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. یہ ہے اصحاب. بس میں یہی پر میرا دل چاہتا ہے کہ حبیب کی خدمت میں عرض کروں, حبیب آج شب عاشور ہے, آج شب عاشور ہے. شب عاشور تم نے جس جرأت اور ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے میرے خیمہ پہ آ کے کہا کہ شہزادی خالی حکم دے دیجئے تو ہم اپنے سروں کو آپ کے قدموں میں اتار کے رکھ دیں گے, لیکن کاش کوئی عاشور کے بعد یہی زینب اور یہی ام کلثوم ہیں, یہی رقیہ اور یہی سکینہ ہیں. جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز بلند ہوئی اللہ قتل الحسین و بکربلا, اللہ ذبح الحسین و بکربلا,
عزادارو کیسی تسلیت اور کیسی تعزیت. بس ایک مرتبہ یہ ظالم خیام حسینی کی طرف چلے اور مال و اسباب لوٹ لیا، خیموں کو جلا دیا گیا، عزاداروں ہمارے چوتھے امام کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا. پوری رات ہمارے چوتھے امام اسی گرم ریت کے اوپر اور پیشانی کو خاک کے اوپر رکھے ہوئے آواز دیتے رہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ علما وتصدیقا. عزاداروں شب جمعہ ہے اور شب جمعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے مرحومین کی اور مرحوم یوسف بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. یقیناً ابھی آپ نے دیکھا اور محسوس کیا اور محسوس کر رہے ہیں، اور دنیا کا دستور اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بہرحال دوست احباب عزیز اقربا پڑوسی سب جمع ہو جاتے ہیں، سب گھر والوں کو تسلیت دیتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں، فرصہ پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر ہمارے والد چلے گئے، اگر ہماری والدہ چلی گئی، اگر ہمارا عزیز ہم سے رخصت ہو گیا تو کم سے کم اتنے لوگ سہارا دینے کے لیے ہیں، اتنے لوگ فرصہ دینے کے لیے آئے، اتنے لوگ تعزیت دینے کے لیے آئے. عزاداروں کے چوتھے امام نے کل کیا کربلا میں سوچ، چوتھے امام کو یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ جیسے فضائے کربلا میں آواز گونجی ہوگی اللہ فضل حسین و کربلا کہ مسلمان تعزیت دینے کے لیے آئیں گے، پرسہ پیش کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن عزاداروں کیسی تعزیت اور کیسا پرسہ. عزاداروں جب 11ویں محرم آئی ہے تو ادھر سے گزارا گیا ہے کہ جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے سب کی نظریں اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں کے اوپر تھی، لیکن زینب کی نظر سید سجاد کے چہرے پہ تھی. جس وقت دیکھا ہے کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، قریب آئی، آواز دی، میرے لال یہ کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں، لگتا ہے کہ روح نکل جائے گی تمہاری. جناب چوتھے امام فرماتے ہیں، اے پھوپھی اما آپ ان ظالموں کو نہیں دیکھتی، انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. عزادار و ثانیہ زہرا نے تسلی دی، لیکن تسلی دینے کے بعد جب خود قریب سے گزری ہیں اور جیسے ہی بھائی کا پامال لاشا دیکھا، برداشت نہ کر سکی، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، نانا آپ کے اوپر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی تھی، لیکن ہائے آپ کا لال حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے اور کوئی دفن کرنے والا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها، بار الہ شب جمعہ، شب مغفرت، شب رحمت، شب دعا، معبود ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیز و نابود فرما. معبود جو مومنین مریض ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن مومنین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد ہوئی ہے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بار الہ ہم سب کی آخرت بخیر فرما، آخرت میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم.